हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है फिरोज और आज मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ बिना प्री लाइट ब्लीच के गोल्डन हेयर कलर। कौन सा कलर यूज़ करने वाला हूँ, साथ में कौन सा डेवलपर यूज़ करूँगा, ये सब कुछ मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं, बाकी छोटी छोटी बातें मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने ले लिए हैं ओरिजिनल कटे हुए हेयर, इनके ऊपर कभी कोई केमिकल कोई कलर यूज़ नहीं हुआ है और आज मैं इनके ऊपर करने वाला हूँ डायरेक्ट हेयर कलर। इन बालों में कभी कोई कलर यूज़ नहीं हुआ है तो इस पर डायरेक्ट हेयर कलर बहुत आसानी से आ जाएगा। अगर आपके बालों में कोई ब्लैक कलर पहले से लगा हुआ होगा तो उस पर डायरेक्ट हेयर कलर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इन बालों पर मैं कलर लगाने वाला हूँ 9.00, लोरियल में आता है ये। इसके साथ मैं डेवलपर यूज़ करूँगा 40 डेवलपर, कोई इसे ऑक्सीडेंट बोलता है कोई वॉल्यूम बोलता है, ये तीनों इसी के नाम है। कलर मैंने पहले से मिक्स करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और यह कलर मैं लगाने वाला हूँ इन बालों के ऊपर। तो वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपकी समझ में हर एक चीज़ आ जाए, कुछ पूछने की जरूरत ना पड़े। कलर लगाते हुए ध्यान रखें कहीं से ज़्यादा कहीं से कम बिल्कुल ना लगाए, वरना जहाँ से गंद कलर लगेगा वहीं से कम कलर आएगा, जहाँ ज़्यादा कलर लगेगा वहीं से ज़्यादा कलर आ जाएगा। ये कलर लगाकर छोड़ूंगा मैं 35 से 40 मिनट, उसके बाद मैं इसको वॉश करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ये हो चुका है वॉश का टाइम, मैं आया हूँ पूरे 40 मिनट के बाद, तो इसको चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं वॉश करके आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा। कलर मेरे हिसाब से आ चुका है 40 मिनट में, 40 मिनट से ज़्यादा छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसकी मैक्सिमम टाइम 40 मिनट है। अगर हम इसको 50 मिनट भी छोड़ेंगे तो कलर उतना ही आएगा जितना 40 मिनट में आना होता है। तो चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट। और ये हो चुका है वॉश, अब आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट। कलर बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कलर, डायरेक्ट हेयर कलर किया है ये मैंने, कोई ब्लीच कोई प्रीलाइट यूज़ नहीं किया है इसमें। कलर का नाम और नंबर आपको ये याद रखना है, कलर किया है मैंने ये लोरियल का 900S 40 डेवलपर ऑक्सीडेंट के साथ। इसको लगाकर रखा था मैंने 40 मिनट, 40 मिनट में आपका ये सामने रिजल्ट है। 40 मिनट में कैसा कलर आया है आप देख सकते हो, 40 मिनट से ज़्यादा रख के कोई फ़ायदा नहीं था, कलर की मैक्सिमम टाइम 40 मिनट ही है। अभी मैं आपको ये बाहर की रोशनी में ले जाकर दिखाऊंगा कि ये बाहर की रोशनी में ये कलर कैसा दिखता है। मैं ऐसी हेयर से रिलेटिव एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है ऐसी वीडियो देखने में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ये आ चुका हूँ मैं बाहर, बाहर की रोशनी में भी आप देख सकते हो ये कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए।